बद्रीनाथ में मानापास साइकिलिंग यात्रा का आयोजन किया गया। इस साइकिलिंग यात्रा को मंदिर समिति के उपाध्यक्ष और उप जिलाधिकारी ने ध्वज दिखाकर रवाना किया। स्काई माउंटेनिंग एसोसिएशन उत्तराखंड ने साइकिलिंग यात्रा आयोजित की है। इस साइकिलिंग यात्रा में 70 सदस्यीय दल है। यात्रा का समापन 28 सितम्बर को होगा। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि चीन से लगी भारत की मानापास सीमा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मैप पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सीमा तक जब ऐसी साहसिक यात्राएं पहुंचती हैं, देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। बद्रीनाथ से अजय कृष्णा मेहता की रिपोर्ट। मानापास एमटीबी चैलेंज 2022 का शुभारंभ होना है, फ्लैग ऑफ सेरेमनी होनी है। ये जो रैली है ये मानापास से बद्रीनाथ तक विश्व पर्यटन दिवस कल आयोजित होगी। पूरा उत्साह है और सबसे बड़ी बात है वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि 18,000 फीट पे जा रहे हैं, वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पास कहलाता है ये। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा, इसका पूरी तरीके से उत्साहित है। और स्पेशली हम लोग ऋषिकेश यहाँ पे मानापास से बद्रीनाथ के लिए साइकिलिंग रैली के लिए ही आए हैं यहाँ पे। और मेरे जीवन में सबसे पहला साइकिलिंग ट्रिप होगा जो मानापास से बद्रीनाथ की ऊंचाई से।